चॉकलेट ट्रफल सोफा केक, मतलब खाने में भी ट्रीट और देखने में भी देखिए कितना रियलिस्टिक लग रहा है ना। इसलिए मैंने आपको इस सोफ़ा केक को लगने वाली छोटी सी छोटी सारी चीज़ें कवर की है ताकि आप भी केवल इस वीडियो की हेल्प से इसे बना सको। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों, कोई भी डिज़ाइनर केक बनाने के लिए सबसे पहले बात आती है टिन कौन सा यूज़ करे। इस केक के लिए मैंने लोफ टिन लिया है। इसको मेजर करो तो ये अराउंड 20 सेंटीमीटर लेंथ में और 10 सेंटीमीटर ऐसे विड्थ में है। ऐसे लोफ टिन ना हो तो अराउंड 9x9 सेंटीमीटर या 10x10 सेंटीमीटर का स्क्वायर टिन हो आपके पास तो भी चलेगा। इसे अंदर से तेल लगाकर एक पार्चमेंट पेपर रख देना। इसमें इस साइज़ के टिन में सोफ़ा केक बनाने के लिए 300 ग्राम प्रीमिक्स लेना और इसमें 3 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देना। साथ में ही अराउंड 1/4 कप पानी लिया है मैंने। इसके साथ इसे अच्छे से मिलाकर ये देखिए ऐसा रिबन कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना और सारे के सारे बैटर को इस टिन में डाल देना। अराउंड 35 मिनट आप इसे ऐसे लो फ्लेम पर एक पतीले में ढककर बेक करना। ये देखिए 35 मिनट्स के बाद केक अच्छे से बेक हुआ है। पूरी तरीके से ठंडा होने के बाद ऊपर का हल्का सा पोर्शन हटा देंगे हम इसका और अब इसे हम 4 लेयर्स में डिवाइड करेंगे। ऊपर की लेयर हल्की सी मोटी रखना। इस लेयर को ना हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है क्योंकि ऊपर की बस एक लेयर से ही हम सोफे का ऊपर का पार्ट बनाएंगे। वीडियो को एंड तक देखते रहो तो सारी चीजें पता चलेगी। अब बचे हुए केक को 3 समान लेयर्स में डिवाइड करना। चलिए अब इसे साइड में रखकर इस केक के लिए चॉकलेट ट्रफल बनाते हैं। अब फोंडेंट केक है तो चॉकलेट ट्रफल का नॉर्मल रेशो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है क्योंकि फोंडेंट का वेट बियर करने के लिए नीचे का केक स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो पहले ये 250 ग्राम डार्क कंपाउंड लिया है एक बाउल में। इसमें 1/2 कप मतलब 125 ml क्रीम डाल देना। व्हिप क्रीम या फ्रेश क्रीम, जो क्रीम आपके पास है डाल सकते हो। इसे गर्म पानी के पतीले के ऊपर रखकर मेल्ट करेंगे हम। ये 2 मिनट में ऐसे हो जाएगा एकदम सॉफ्ट, स्मूथ और शाइनी गनाश। अब जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए ढककर हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखेंगे। बिल्कुल सही सुना आपने, फ्रीजर में रखेंगे हम इसे। 10 मिनट के बाद भी पहले ये आपको पतला भी लगे तो टेंशन ना लेना, बस इसे इस तरीके से 1-2 मिनट विस्क करते रहना आप और उसके बाद आपको मिलेगी ऐसे परफेक्ट ट्रफल क्रीम। अब केक बोर्ड पर थोड़ी सी क्रीम लगाकर ये केक की पहली लेयर रख दी है मैंने। इसे आप शुगर सिरप से मॉइस्ट जरूर करना, पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा शुगर सिरप लगाना और अब इस पर थोड़ी सी क्रीम रखकर इसे ऐसे फैलाते जाना। चाहो तो पैलेट नाइफ को फ्लेम के ऊपर रखकर थोड़ा सा गर्म करके यूज करना ताकि क्रीम को फैलाने का काम इजी रहे। अच्छे से क्रीम लगाने के बाद अब दूसरी लेयर रखेंगे इस पर। सेम प्रोसेस को फॉलो करके ये क्रीम, फिर ये तीसरी लेयर लगाई है मैंने। दोस्तों, मैंने जो 250 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड का ट्रफल बनाया था वो इस केक के लिए काफ़ी नहीं हुआ, तो 150 ग्राम का और चॉकलेट ट्रफल बनाया है मैंने। तो आप क्या करना, डायरेक्टली 400 ग्राम का चॉकलेट ट्रफल बनाना। चलिए अब रेक्टेंगल शेप को थोड़ा सा ठीक करने के लिए साइड से एक्स्ट्रा का पोर्शन हटा देंगे हम। तो ये बन गया अपना सोफे का नीचे का पार्ट। अब टॉप लेयर के जो 3 पार्ट्स किए थे ना हमने, उनको एक एक करके हम केक के टॉप पर ऐसे एक साइड में लगाते जाएंगे और अब जितना हो सके हम केक का अच्छे से फिनिशिंग करेंगे। वैसे ही आगे का और पीछे का भी अच्छे से फिनिशिंग करना, पर साइड का फिनिशिंग हम बाद में करेंगे क्योंकि वहाँ पर कुछ काटने का काम बाकी है। अभी और एक बार अच्छे से फिनिशिंग करके केक को हमें कम से कम 2-3 घंटे फ्रिज में सेट करना होगा, उसके बाद ही आगे का काम हो सकता है। तो ऐसे 2-3 बार में थोड़ा थोड़ा सा सेट करते हुए एकदम अच्छा शेप आप केक को दे सकते हो। अब ये देखिए ऊपर से साइड से एक स्लैंटिंग में कट लगाएंगे हम। दोनों साइड से सेम ही चीज़ करेंगे और अब साइड से भी हल्का सा केक मैंने हटा दिया है। कट किए हुए पोर्शन पर फिर से मैंने गनाश से कवर कर दिया है और एक बार फ्रिज में सेट करके अब बारी आती है इसे फोंडेंट से कवर करने की।
आप देख सकते हो अभी केक कितना अच्छे से सेट हुआ है। फोंडेंट से कवर करने से पहले केक अच्छे से सेट होना जरूरी है। चलिए अब इस व्हाइट फोंडेंट में मैंने कुछ ड्रॉप्स ब्राउन के डाले हैं, इसे इस तरीके से मिलाते जाऊंगी मैं। एक्चुअली इसे बहुत ज़्यादा कलर मिलाना पड़ता है, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है रेडीमेड कलर्ड फोंडेंट यूज़ करना। कुछ बेसिक कलर के फोंडेंट आप अपने पास हमेशा रख सकते हो। ये देखिए, ये मेरा ब्राउन फोंडेंट तो बन गया है अभी के लिए। अब इसे रोल करने से पहले ये सेट हुए केक पर मेजरमेंट्स लेकर साइड में थोड़ी थोड़ी सी जगह बचाएंगे हम। फिर बीच के पार्ट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हुए टूथपिक से मार्क करेंगे, ताकि बाद में डिजाइन बनाते समय कुछ रेफरेंस मिले हमें। फिर सोफा की हाइट, विड्थ, ये वाली हाइट और ये विड्थ सारे ठीक से मेजर करना, इससे थोड़ी सी ज्यादा लेंथ लगेगी हमें। रोल्ड फोंडेंट के उसी तरीके से लेंथ मेजर करके रेक्टेंगल रोल्ड फोंडेंट के डायमेंशन डिसाइड होंगे। अब फोंडेंट को रोल करने के लिए एक रोलिंग पिन आता है। मेरा रोलिंग पिन थोड़ा सा छोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये किचन के बेलन का इस्तेमाल किया है। अच्छे से रोल करके ये मैंने एक रेक्टेंगल शेप काट लिया है। इसे उठाकर सोफा के ऊपर रख देंगे हम। थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट आगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पीछे जरूर रखना। और अब ये देखिए, इस तरीके से प्रेस करना है इसे। फोंडेंट के जो बिल्कुल बेसिक टूल्स होते हैं ना, वही मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो इनका इस्तेमाल करके अच्छे से इसे प्लेन करने के बाद अब एक्स्ट्रा का साइड का पोर्शन ऐसे साइड में चिपका देना। पीछे ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसे आप ऐसे कट करके हटा सकते हो। एक्चुअली मेटल का कटर होना तो उससे ये काम ज्यादा अच्छे से होता है। अब ये देखिए, जो केक पर हमने मार्क्स किए थे ना, उनके रेफरेंस से फोंडेंट पर भी सेम निशान बनाएंगे। नीचे का ये एक्स्ट्रा का फोंडेंट हटा देंगे। फिर से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, शेप काफी अच्छा लग रहा है। अब बस इस पर कुछ डिजाइन बनानी है हमें। तो स्केल से ये देखिए, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनाना, एकदम हल्के से, ज्यादा प्रेस करो तो कहीं फोंडेंट कट ना हो जाए। ऐसे ही एक स्ट्रेट लाइन नीचे भी बनाएंगे हम। अब ऐसा एक जो टूल है, इससे यही सारे निशाने और अच्छे से क्लियर करेंगे हम। सारे छोटे छोटे डिटेल्स जितने अच्छे से करोगे ना, लुक उतना अच्छा आएगा केक का। अब और एक रेक्टेंगल मैंने पूरा मेजरमेंट लेकर ही बनाया है, इससे हम सोफा के ऊपर के पोर्शन को कवर करेंगे। पीछे एकदम नीचे तक आना चाहिए, पहले अच्छे से प्लेन करना इसे भी। ये वाला साइड में नहीं चिपकाना है, तो इसे यहाँ पर प्रेस ना करना। पहले ये नीचे वाला एक्स्ट्रा का फोंडेंट कट कर देते हैं। अच्छे से प्लेन करके ये पीछे का एक्स्ट्रा का पोर्शन ऐसे साइड्स में चिपका देंगे। दोनों साइड से करना ऐसे। अब स्केल से पहले जहां पर कट लगाना है, वहां पर मार्क्स लगाएंगे हम। यही मार्क ऐसे ऊपर से पीछे तक जाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ से इतना पोर्शन हमें कट करना है।
मेरा कटर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैंने यहाँ पर इस सीजर का ही यूज किया है। चलिए पहले जैसे ही दोनों साइड से कट कर देते हैं, फिर फिनिशिंग का देखते हैं। ये देखिए प्यारा लग रहा है ना भी। अब बारी है इस पर डेकोरेशन करने की। तो पहले मैंने स्केल से चेक किया है, 20 सेंटीमीटर है ये, तो इस पर 2-2 सेंटीमीटर पर मार्क बनाया है मैंने। यहाँ पर भी 2-2 सेंटीमीटर पर मार्क बनाना, और अब स्केल की हेल्प से इस तरीके से इसे जोड़ देना। अब नेक्स्ट लाइन बस मैंने इसे पैरेलल बनाई है, ऊपर भी इन्हीं लाइंस को इस तरीके से एक्सटेंड कर देना। पीछे का पोर्शन आप चाहो तो ऐसे ही रख सकते हो, या सेम डिजाइन यहाँ पर भी कर सकते हो। अब इन लाइंस को क्रॉस करते हुए ऐसे लाइंस बनाओ तो बढ़िया से डायमंड के शेप बनेंगे, अच्छा लगेगा। इन निशानों को जितना हो सके गहरा करने की कोशिश करना, पर स्केल को इतना भी प्रेस ना करे कि फोंडेंट फट जाए। तो सारा काम हल्के हाथों से करना है। ये देखिए अब ये एक टूल है, इससे हम हर एक पॉइंट पर ऐसे मार्क करते जाएंगे। बेसिकली हर पॉइंट पर फोंडेंट थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए, और उसके साइड में ऐसे लाइंस बनेगी ना तो एकदम 3D रियलिस्टिक लुक आएगा। ये देखिए जैसे साइड में किया है वैसे ही ऊपर या दूसरे साइड में भी करेंगे हम। ये देखिए ये ऊपर का काम बहुत ही सुंदर हुआ है। अब बेस वाले पार्ट में मैंने स्केल से कुछ डेकोरेशन किया है, बहुत ही सिंपल है। स्केल का बस एक कॉर्नर यूज किया है मैंने, और आप देख सकते हो कितनी सिंपल सी पर कितनी प्यारी लग रही है डिजाइन। अब ऊपर की ये जो हमने डिजाइन बनाई है ना, इसमें एक अगर बॉर्डर बनाएंगे तो ये और भी सुंदर लगेगा। उसके लिए फोंडेंट को रोल करके एक पतली सी लाइन बनाई है मैंने, इसे ऐसे साइड से चिपका देंगे। देखना सिंपली एक बॉर्डर से इसके लुक में बहुत ही बड़ा चेंज आएगा। तो साइड में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा एडिबल ग्लू लगाया है, जिसे मैंने टाइलर्स पाउडर से बनाया है। मेरी फोंडेंट में कुछ छोटे छोटे से क्रैक्स आए हैं, वो एक्स्ट्रा ड्राइनेस के कारण हैं। ये ना हो इसके लिए क्या करें, इस पर भी एक सेशन हम जरूर रखेंगे। अब ये देखिए एक लंबा सा रेक्टेंगल शेप बनाया है मैंने यहाँ पर, इसको इस तरीके से रोल करते जाना। दोनों साइड से बाहर निकले हुए फोंडेंट को उंगली से ऐसे प्रेस करते जाना। ये अराउंड 5 सेंटीमीटर बचाया है मैंने यहाँ पर, इससे हमें सोफा का साइड का पोर्शन कवर करना है। अब साइड में फिर से थोड़ा सा एडिबल ग्लू लगाकर इसे यहाँ पर चिपका देंगे हम। थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा देते हैं तो अच्छे से फिक्स हो जाएगा ये। सेम चीज सोफा के दूसरे साइड में भी करेंगे। गोल्डन बोर्ड से हटाकर मैं इसे व्हाइट बोर्ड पर शिफ्ट करूंगी, इस पर अपना सोफा केक बहुत ही सुंदर दिखेगा। तो दोस्तों ऐसे कस्टमाइज केक घर में बन सकते हैं। अगर इससे सिंपल और कोई थीम केक फोंडेंट से बना हुआ आप देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, इसे भी ट्राई करना, और आपके अनुभव कमेंट्स में लिखना जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।